नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर आज जिला कांग्रेस कमेटी के गुरुद्वारा रोड स्थित मुख्यालय पर अक्टूबर माह की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली की अध्यक्षता में हुई, जिसका संचालन सेवादल महानगर अध्यक्ष अमरदीप जैन ने किया। बैठक में राजीव गांधी द्वितीय जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किए जाने के लिए आगामी 18 अक्टूबर को जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 18 अक्टूबर को जिला कांग्रेस कार्यालय पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करके राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कैमरामैन अब्बास काजमी के साथ इफ्तिखार हुसैन जैदी की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज का हमारा कार्यक्रम समीक्षा मीटिंग मासिक बैठक है, वो दो तीन बिंदुओं को लेकर है। हमारा पहला बिंदु, हमारा 18 तारीख का कार्यक्रम जो कि स्वर्गीय राजीव गांधी प्रतियोगिता हम लोगों ने अभी पिछले माह कराई थी, उसका परिणाम आ गया था, तो उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो समय रखा है वो पूरे प्रदेश में 18 तारीख का रखा गया है। 18 तारीख को माननीय प्रियंका गांधी जी और अजय कुमार लल्लू जी के आदेश अनुसार सभी जनपदों में 18 तारीख को जो लोग उस कंपटीशन में जिन लोगों ने भाग लिया और जिन लोगों के लगभग 154 लोगों की लिस्ट हमारे यहाँ आई है, उन लोगों को प्राइज दिया जाएगा। उसका कार्यक्रम हम जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में 18 तारीख को करेंगे। दूसरा हमारा कार्यक्रम बिंदु हमारा ये है कि माननीय प्रियंका गांधी जी और अजय कुमार लल्लू जी ने हमारे प्रत्येक ब्लॉक में हमने मीटिंगें कर ली, लगभग किसी ब्लॉक में दो दो मीटिंग, एक एक मीटिंग प्रत्येक ब्लॉक में, एक एक मीटिंग लगभग समाप्त हो चुकी है और दूसरा मीटिंग का दौर चल रहा है। तीन तीन नाम माननीय प्रियंका गांधी जी ने ब्लॉक अध्यक्षों के मांगे गए थे, वो तीन तीन नाम हम लोग लेकर कल बरेली मीटिंग है हमारी सबकी, हम लोग लेकर जाएंगे और प्रियंका जी के सामने उनको रखेंगे। लगभग दो चार दिन के अंदर हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष पूरे जनपद के वो भी घोषित हो जाएंगे। तीसरा हमारा बिंदु क्षेत्र में अक्षेत्रीय जिला पंचायत के चुनाव और प्रधानी के चुनाव हैं। हमारा ब्लॉक के बाद अगला कार्यक्रम जो हमारा है नगर अध्यक्षों का, अक्षेत्रीय पंचायत अध्यक्षों का और जमीन पर बूथ अध्यक्षों के जाने का कार्यक्रम है, जो कि हम लगातार रूटीन में कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, यहाँ जनपद के सभी लोग बैठे हैं, बड़े फख्र की बात है कि आपके जिला अध्यक्ष के ऊपर माननीय प्रियंका गांधी हमारे राहुल गांधी जी के ऊपर मुकदमा हुआ, तो आपके जिले के जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली पर भी मुकदमा उनके साथ होने का काम हुआ, हमें ये गौरव इस जिले को प्राप्त हुआ। मेरे ऊपर भी उनके साथ मुकदमा कायम हुआ और हमें फख्र है कि हम अपने लीडर के साथ वहाँ अरेस्ट हुए और हमारे ऊपर मुकदमा होने का काम हुआ। 18 तारीख का कार्यक्रम सभी लोग उसमें जो लोग जिनके बच्चे जिस एरिया का, चाहे वो ब्लॉक का मामला हो चाहे वो नगर का मामला हो, जिनके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था मेरे पास लिस्ट है, उनको लेकर उन्हें फ़ोन करें। जिन बच्चों की लिस्ट में नाम है उनके गार्जियंस, सब लोगों से अपील है कि उनके माँ बाप यहाँ 18 तारीख में अपने बच्चों को लेकर उपस्थित हों। बच्चा अपने माँ बाप के साथ आएगा, उसका हौसला बढ़ेगा। और इसी कार्यक्रम में हम सभी सीनियर जितने हमारे कांग्रेसी हैं, पूर्व विधायक और हमारे सीनियर्स हैं, उनको बुलाएंगे, उनके हाथ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके अलावा हम चाहेंगे कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिन स्कूलों ने भाग लिया था, हम उनको भी आमंत्रण देंगे कि वो भी इस कार्यक्रम में हमारी शोभा बढ़ाएं और यहाँ आकर हमारा सम्मान बढ़ाएं। ये हमारे कार्यक्रम थे, इसको लेकर आज हमारी मीटिंग थी। मीटिंग में लगभग सभी लोगों ने अपने विचार रखे, सभी लोगों ने सहयोग की बात की और मैं आशा करता हूँ कि 18 तारीख में जो प्रोग्राम होगा वो एक भव्य रूप से अच्छा प्रोग्राम और एक बेहतरीन प्रोग्राम, जो ज़िले में जिस तरह का ये कार्यक्रम माननीय प्रियंका गांधी जी ने, हमारे राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए, बच्चों की सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है, हर राजीव गांधी जी की हर साल इस कार्यक्रम को करने का कार्य चल रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसका ज्ञान बढ़ने का काम हो रहा है, क्योंकि उसे हमारा पहला पुरस्कार लैपटॉप है। हमारा जो प्रथम स्थान जिस बच्चे को मिला है उसे हम लैपटॉप देंगे, जिसको द्वितीय स्थान मिला है उस बच्चे को हम टैब दी जाएगी,
एक टैब है और तीसरा पुरस्कार जो है वो एक मोबाइल फोन है। ये तीन बड़े पुरस्कार हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड बच्चों को दिए जाएंगे। इसके अलावा भी लगभग 10-15 बच्चों के लिए बैग्स हैं, कुछ बच्चों के लिए हमारे पास फाइल हैं और कुछ बच्चों के लिए मग हैं। अलग अलग पुरस्कार जो अन्य बच्चे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं सम्मान के रूप में कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाए।